Hariyam children, welcome back in our computer class. Today we are having our second session for our second lesson input and output devices. In our previous class we learned about input devices. So in our today's class we are going to learn about output devices. So just let's get started with our output devices session. Now what are the output devices? The devices which are used To display the results or information are called output devices. जो devices हमारी uh, answer हमारा जो भी information है वो हमें show करने के लिए use होता है, हमें दिखाने के लिए use होता है, ठीक है? जो हमें uh, ज, uh, किसी भी डिवाइस के थ्रू जब हमें कोई आंसर मिलता है ठीक है जो हम कंप्यूटर से चाहते हैं सो दोज डिवाइसेस विच गिव्स अस द आंसर्स विच गिव्स अस आवर इन्फॉर्मेश दोज आर द आउटपुट डिवाइसेस यू कैन व्यू द आउटपुट ऑन द मॉनिटर और यू कैन प्रिंट इट ऑन अ पेपर आप अपने मॉनिटर स्क्रीन पे आउटपुट देख सकते हो या फिर आपका जो आउटपुट है जो आपके मॉनिटर स्क्रीन पे दिख रहा है वो आप एक पेज के ऊपर भी प्रिंट कर सकते हो ओके नाउ यूजिंग अ प्रिंटर तो प्रिंटर क्या हुआ प्रिंटर हुआ हमारा आउटपुट डिवाइसेस क्योंकि वो हमें आउटपुट देता है मीन्स हमें आंसर देता है या हमारी इंफॉर्मेशन हमें देता है जो हम उससे चाहते हैं लाइक like, मुझे अंकुश दादा को अंकुश दादा का फोटो एक पेज के ऊपर चाहिए प्रिंट करके तो उसके लिए अंकुश दादा को प्रिंटर यूज करना पड़ेगा क्योंकि प्रिंटर क्या है वो एक आउटपुट डिवाइस है वो हमें आउटपुट देता है आउटपुट मींस क्या आउटपुट मींस अवर आंसर अवर प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट याद है ना हमने सीखा था हमारे पिछले क्लासेस में सो so, अब ये पढ़ लेते हैं कि आ, मॉनिटर एंड द प्रिंटर आर द कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइसिस नॉर्मली जो हमारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उसमें कॉमनली uh, यूज होने वाले आउटपुट डिवाइसेस दो ही है ठीक है एक है मॉनिटर एक है प्रिंटर ओके okay? so, इनके बारे में हम आज ज्यादा सीखेंगे ठीक है इनके बारे में थोड़ा हम डीप में सीखेंगे कि मॉनिटर Uh, जो हमारा आउटपुट डिवाइस है और हमारा जो प्रिंट प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है so इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में आज पढ़ाई करेंगे ठीक है सो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं मॉनिटर हमारा पहला पॉइंट है हमारा फर्स्ट पॉइंट है मॉनिटर दिस इज द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस कनेक्टेड विथ द कंप्यूटर टू डिस्प्ले द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन ये हमारा कॉमनली यूज होने वाला एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के साथ हमारे सीपीयू बॉक्स के साथ अटैच होता है ताकि हमें जो भी वो प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन और वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो जाने के बाद उसका जो आंसर है वो हमें खुद के इस मतलब इस मॉनिटर खुद के अपने उस स्क्रीन पे हमें वो शो करता है इट लुक्स लाइक अ टीवी ठीक है ये सीआर टी मोनिटर आप जो देख रहे हो सामने है ये आपको किसकी याद दिलाता है टीवी की याद दिलाता है राइट हमारे घर में जो ओल्ड वाले टीवी थे वैसे या फिर हमारे घर में जो अभी नए वाले स्मार्ट टीवीज आ गए फ्लाइट वाले वैसे बट दोनों ही जगह पे ये हमें याद किसकी दिलाता है टीवी की क्योंकि ये टीवी के जैसे ही दिखता है एंड इज ऑल्सो नोन एज वी डी यू इसे और ये भी बोला जाता है वी डी यू याद है ना आपको अगर याद होगा हमने थर्ड स्टैंडर्ड में इसकी स्पेलिंग भी लर्न की थी विडियो की विजुअल डिस्प्ले यूनिट ठीक है वी फॉर फॉर विजुअल डी डिस्प्ले एंड यू फॉर यूनिट पिक्चर्स आर डिस्प्लेड बाय यूजिंग अ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल डॉट्स ठीक है जो पिक्चर्स हमें दिखते हैं मॉनिटर स्क्रीन पे जो भी पिक्चर दिखता है जो भी वीडियो दिखता है जो भी मींस, जो भी विजिबल है हमारे मॉनिटर स्क्रीन पे तो वो कैसे दिखाई देता है वहां पे बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल डॉट्स होते हैं बहुत सारे स्मॉल 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 डॉट्स रहते हैं ठीक है ठीके? जिनको पिक्सल्स बोला जाता है वो क्या होते हैं वो ऑन ऑफ ऑन ऑफ होते हैं सपोज अभी यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ हाँ जैसे हमारे इस एल मॉनिटर स्क्रीन पे यहाँ पे वाइट कलर है यहाँ पे ब्लैक कलर है तो जहाँ पे ब्लैक कलर है ना वहाँ के पिक्सल्स ऑफ हुए हुए हैं जहाँ पे वाइट कलर है वहाँ के पिक्सल्स ऑन है और ये पिक्सल्स जो है ना ये हमारे एकदम स्मॉल स्मॉल इसको आप कंसिडर कर सकते हो एकदम टाइनी एकदम स्मॉल लाइट्स ठीक है वो भी कलरफुल वाले जिनमें जिन अलग अलग कलर्स होते हैं तो जब हम अभी सपोज में मेरा कर्सर ले जाता हूँ यहाँ पे मॉनिटर जहाँ पे वर्ड लिखा है उसके बैकग्राउंड में देखो येलो कलर है तो वहाँ के जो पिक्सल्स है वो ऑन है बट येलो कलर डिस्प्ले कर रहे है ठीक है और ये जो हमारा बैकग्राउंड व्हाइट कलर का है यहाँ के पिक्सल्स भी ऑन है बट वो व्हाइट कलर शो कर रहे है सो so, पिक्सल्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के भी होते हैं हम उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं यहाँ पे शेयर करेंगे ना ही इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे हम लोग पहले देख लेते हैं पिक्सल्स क्या होते हैं पिक्सल छोटे छोटे डॉट्स होते हैं हमारे मॉनिटर स्क्रीन पे जिनके वजह से हम मॉनिटर स्क्रीन पे हम जो भी देखते हैं वो उनके वजह से पॉसिबल होता है ठीक है द नंबर ऑफ पिक्सल्स दैट अ मॉनिटर कैन शो मतलब जो मैन जो मॉनिटर जितने ज्यादा पिक्सल्स उसके स्क्रीन पे शो कर सकता है मतलब जिस मॉनिटर के स्क्रीन में जितने ज्यादा पिक्सल्स रहेंगे उसकी क्लियरिटी उतनी ज्यादा रहेगी ठीक है उसका रिजोल्यूशन उसकी क्लियरिटी उतनी ज्यादा रहेगी जब हमारे पहले के जमाने में वीडियोस हम देखते थे वो इतने क्लियर नहीं थे क्यों क्योंकि जब वो रिकॉर्ड होते थे उसका रिजोल्यूशन उतना नहीं था ठीक है और जिन मॉनिटर्स पे या जिन टीवीज पे हम उसे शो करते थे उसका भी रिजोल्यूशन इतना नहीं रहता था उसमें उतने पिक्सल्स नहीं रहते थे तो वो उतना क्लियर नहीं दिखता था बट अब अब तो एच डी फोर क्वालिटी हम देखते हैं क्यों क्योंकि अब वो और अपडेटेड हो गया है और उसमें जितना इतने सारे पिक्सल्स अब है कि हम वो सारी चीजें एकदम एच जैसे जैसे ओरिजिनल देख रहे हैं हम आमने सामने इतना क्लियर दिखाई देता है से किसके वजह से पॉसिबल है पिक्सल्स के वजह से पॉसिबल है ठीक है अब मॉनिटर के बारे में थोड़ा और सीख लेते हैं द टू कॉमनली यूज मॉनिटर टाइप्स आर मॉनिटर जो यूज हम करते हैं कंप्यूटर के साथ वो दो ही टाइप्स के हैं एक है पुराना वाला ये सीआरटी मॉनिटर मोटा सा वेटेड जिसको कहीं भी उठा के लाने ले जाने में बहुत प्रॉब्लम जाती है उसे एक ही जगह पे बैठे रहना पड़ता है एंड सेकंड वन इज आवर एलसीडी मॉनिटर लाइट वेटेड फ्लैट स्क्रीन स्लिम ट्रिम पतला सा ठीक है एकदम फिट सा और सीआरटी मोटा सा भारी सा बहुत सारा सा भारी होता है बहुत जगह लेता है वो और एलसीडी किसी भी कोने में ऐसे आराम से फिट हो जाता है टेबल पे एक साइड में कहीं पे भी सो दीस आर द टू टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स जो नॉर्मली यूज होते हैं ठीक है इसमें से एक है सीआरटी CRT का फुल फॉर्म याद रखना CRT का फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब ठीक है क्या फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब सी ए टी एच ओ डी ई आर ए वाई टी यू E और एल का है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ठीक है द आउटपुट प्रोड्यूस्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी आउटपुट बिकॉज इट कैन नॉट बी रिटेन फॉर अ लॉन्ग टाइम जो आउटपुट प्रोड्यूस होता है ना वो एल सी डी मोनिटर एज दे आर शार्पिक क्वालिटी एल सी डी मॉनिटर है जो आजकल ज्यादा पॉपुलर है बिकॉज दे आर शार्प पिक्चर क्वालिटी मीन्स उसमें पिक्सल्स बहुत सारे होते हैं तो जिसकी वजह से हम वो पिक्चर्स जो वीडियो है जो फोटो है वो बहुत क्लियरली देख सकते हैं ओके द लाइट दे आर लाइट वेटेड एंड फ्लैट स्क्रीन वो लाइट वेटेड होते हैं वो ज्यादा वजनदार नहीं होते और और uh, और तो और, पता है uh, वो है ना फ्लैट होता है ठीक है मीन्स ऐसे प्लेन uh, स्क्रीन उनकी होती है ना मॉनिटर के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिंटर प्रिंटर क्या होता है दिस इज एन इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इट गिवस अ प्रिंटेड आउटपुट ऑफ द रिजल्ट डेट अपियर्स ऑन द मोनिटर स्क्रीन जो मॉनिटर स्क्रीन पे हमें दिखाई देता है ठीक है ये वो सारा एक पेज पे हमें प्रिंट करके दे सकता है वहाँ पे बहुत सारे मेथड्स है हम पेज पे भी प्रिंट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स पे भी प्रिंट्स कर सकते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट प्रिंटर्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के हमें प्रिंट्स दे सकते हैं पेज पे भी दे सकते हैं टी शर्ट पे भी दे सकते हैं हमारे कॉफी के मग पे भी दे सकते हैं आप में से कुछ बच्चों ने देखा भी होगा शायद किसी के यहाँ पे मग पे प्रिंटेड होगा कुछ किया हुआ या किसी ने किसी के टी शर्ट पे कुछ प्रिंट करके लाया होगा या फिर हम लोग पेज पे जो हमें प्रिंट मिलती है हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी प्रिंटर से ही प्रिंट होके आते हैं राइट सो दीज आर द प्रिंटर्स प्रिंटर्स भी आउटपुट डिवाइसेस है ओके नाउ देयर आर सम टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स एक है कैरेक्टर प्रिंटर सेकंड है लाइन प्रिंटर एंड थर्ड है पेज प्रिंटर सो ये क्या होता है हम लोग इनके बारे में सीख लेते हैं कैरेक्टर प्रिंटर क्या होता है कैरेक्टर प्रिंटर कैरेक्टर प्रिंटर प्रिंटर्स वन कैरेक्टर एट अ टाइम ठीक है यहाँ पे प्रिंटर्स नहीं है प्रिंट्स है सॉरी कैरेक्टर प्रिंटर प्रिंट्स वन कैरेक्टर एट अ टाइम क्या करता है ये एक कैरेक्टर को एक समय प्रिंट करता है इट प्रिंट्स एट अ स्पीड ऑफ अराउंड थर्टी टू सिक्स हंड्रेड कैरेक्टर पर सेकंड ये एक सेकंड में ठीक है सुनो ध्यान से एक सेकेंड में थर्टी से लेके तो सिक्स हंड्रेड कैरेक्टर्स तक प्रिंट कर सकता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कैरेक्टर प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये एक नाम है प्रिंटर का एक ठीक है उसका टाइप है जो एक एग्जाम्पल है कैरेक्टर प्रिंटर का नाउ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है पढ़ लेते हैं दिस टाइप ऑफ प्रिंटर वर्क लाइक अ टाइप राइटर ये एक प्रिंटर है जो टाइपराइटर राइटर के जैसे वर्क करता है इट क्रिएट्स एन इम्प्रेशन ऑन द पेपर बाय प्रेसिंग द एंड्स ऑफ पिंस पिंस फिक्स्ड इन इट्स प्रिंट्स प्रिंट्स हेड्स इसमें होती है है ठीक वो टाइपराइटर जैसे उस पेपर के ऊपर ऐसे 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 स्ट्रोक होती है ठीक है उस पर जाके जोर से स्ट्रोक करती है उसे पुश करती है पेपर पे जिनपे और जिनके वजह से क्या होता है जिनके एंड में वहां पे पॉइंट पे इंक लगी होती है इंक रिबन रहता है एक ठीक है जो वो इंक को बराबर उस कैरेक्टर के शेप में उस पेज के ऊपर इसे पुश करता है तो क्या होता है वो जो कैरेक्टर है वो उस पेज के ऊपर छप जाता है, जाता है 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 प्रिंट हो दिस प्रिंटर इज नॉइजी ये काफी होता है। इसमें खट 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 ऐसी आवाजें होती रहती है जब वो उस उसपे क्योंकि वो क्या करता है वो पेज के ऊपर उसे स्ट्रोक करता है अगर हम किसी जगह पे ऐसे स्ट्रोक करें ठीक है बजाय क्लास में काफी सारे बच्चे तबला बजाते हैं डेस्क पे मुझे पता है तो वो नॉइज होती है ना तो वैसे ही यहाँ पे वो जो एक फाइबर का एक प्लेट रहता है अंदर जिसके ऊपर वो पेज के ऊपर वो पिंस जाके स्ट्रोक करती है ठीक है हिट करती है उस पेज को तो वहाँ पे भी वो नॉइज करता है नाउ इट्स स्पीड इज मेजर्ड इन सी जो डॉट मैट्रिक्स है उसकी स्पीड कैसे मेजर होती है उसकी स्पीड मेजर होती है cps में cps क्या होता है कैरेक्टर्स पर सेकंड ठीक है कैरेक्टर्स पर सेकंड नाउ इसके बाद आता है लेजर प्रिंटर लेजर प्रिंटर क्या होता है लेजर प्रिंटर भी प्रिंटर है इन दिस टाइप ऑफ प्रिंटर लेजर बीम टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इसमें लेजर बीम टेक्नोलॉजी होती है ठीक है द टेक्स्ट और ग्राफिक्स ऑन द पेपर द दैट टेक्स्ट इज सॉरी यहाँ पे लिखा है प्रिंट द टेक्स्ट और ग्राफिक्स ऑन द पेपर द स्पीड ऑफ दिस प्रिंटर इज वेरी फास्ट इसकी स्पीड जो होती है वो वेरी फास्ट होती है जो हमारे स्कूल ऑफिसिस में प्रिंटर यूज होता है ना वो लेजर प्रिंटर्स होता है एंड गिव्स आउट वेरी फाइन क्वालिटी और क्वालिटी भी काफी अच्छी देता है इट्स स्पीड इज आल्सो मेजर्ड इन पीपीएम ठीक है पीपीएम नाउ पी uh, क्या होता है पेज पर मिनट मीन्स एक मिनट में कितने पेजेस प्रिंट करता है ओके okay, तो यहाँ पे हमारा लेजर प्रिंटर भी हो गया नेक्स्ट है हमारा स्पीकर्स स्पीकर्स भी हमारे आउटपुट डिवाइस है स्पीकर्स आर कैटेगराइज एज आउटपुट डिवाइस स्पीकर्स का यूज क्या है हम सभी को पता है वो हमें आवाज़ बड़ी करके देता है हम उसे ऑडियो सुनने के लिए म्यूजिक सुनने के लिए यूज करते हैं जो कि डिफरेंट साइज और टाइप्स के होते हैं लास्ट हमारा पॉइंट है प्लॉटर प्लॉटर भी प्रिंटर जैसा ही होता है सिर्फ डिफरेंस प्लॉटर में क्या है प्लॉटर हमने अच्छे क्वालिटी का प्रिंट करके देता है ठीक है उसकी क्वालिटी नॉर्मल प्रिंटर से बहुत अच्छी होती है ठीक है नॉर्मल प्रिंटर से उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है यहाँ पे इंक जेट प्रिंटर है इंक जेट प्रिंटर कलर प्रिंट्स के लिए यूज होते हैं पेज के ऊपर प्रिंट करके देता है बट जो हमारा प्लॉटर है प्लॉटर भी हमें कलर प्रिंट करके देता है बट उसकी क्वालिटी इंकजेट प्रिंटर से काफ़ी अच्छी होती है ठीक है वो बहुत शार्प प्रिंट करके देता है प्रिंट ऑफ फोटोग्राफ ड्राइंग इमेजेस स्टोर्ड इन द कंप्यूटर बाय यूजिंग अ प्लॉटर ठीक है इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस विच प्रोवाइड्स अ हाई क्वालिटी ऑफ प्रिंटेड आउटपुट इट इज जनरली यूज बाई इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स इतनी अच्छी क्वालिटी देता है कि इंजीनियर लोग उसे यूज करते हैं ओके okay? सो so, ये था हमारा आउटपुट डिवाइसेस आज का सो so, ये सेशन हमारा